नाम है दानिश कनेरिया। दानिश भाई जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑलरेडी रेडी है 24 अक्टूबर को, बस मौका मौका है। तो इस मौके पे कौन चौका मार रहा है? बस इंडिया 70% एंड 30% पाकिस्तान। जितने भी मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सुन रहा हूँ सब ये बोल रहे हैं हम यूएई में खेल रहे हैं, हम यूएई के राजा हैं। तो पाकिस्तान आर स्ट्रगलिंग, और तो स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान फील्डिंग कंपेयर टू इंडियन फील्डिंग इज वेरी लो। ये सही दिमाग दिखा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का। पाकिस्तान अगर 188 चेस करने जाएगी तो वो चेस कैसे करेगी? सच बोलते हैं या फिर वो खबरों में भरे भरे रहने के लिए भारतीय टीम का सहारा लेते हैं? वही जाके नेशनल अपने चैनल पे जाके पाकिस्तान की अच्छाई करते, फिर आ जाते यूट्यूब चैनल पे बैठ के हमारी टीम की तारीफ करते। पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि प्लेइंग 11 क्या होगा 3 दिन बाद मैच है। इंडिया की बैटिंग भी चल रही है, इंडिया की बॉलिंग भी चल रही है, पावर एजन वो तो बोझ बन गया है टीम पे। तो 19 रन बचाने थे लेकिन उन्होंने 22 रन दे दिए। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा वीक है। टीवी कहाँ टूट रहे हैं दानिश भाई, भारत में या पाकिस्तान में? केस भी नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान और ना ही डिफेंड कर पा रहा है, दोनों पोजीशन पे पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी लो है। बैन बॉल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को महामुकाबला होगा और इसी के लिए, इसी मैच पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वो खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान क्रिकेटर्स के साथ में ड्रेसिंग रूम शेयर किया, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला लंबे समय तक और अपनी फिरकी पर बल्लेबाजों को नचाया। नाम है दानिश कनेरिया। दानिश भाई जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल रेडी, रेडी है 24 अक्टूबर को। बिल्कुल दानिश भाई, बिल्कुल 24 अक्टूबर की तारीख, बड़े ही लंबे समय बाद। 2020 में तो हम साल 2016 में लड़े थे दानिश भाई, हम नहीं मतलब भारत और पाकिस्तान की टीम, लेकिन अब 2019 में भी आए, खेले, हार गए और फिर अब वापस मौका मौका है। तो इस मौके पे कौन चौका मार रहा है दानिश भाई, आपके स्टाइल में बताइए। मौके पे चौका देखें, मौके पे ऑन द डे, ऑन द गिवन डे, जो अपने जो प्लेयर अपने नर्व्स पे काबू रखेगा और जो प्रेशर को हैंडल कर पाएगा वही टीम विजेता होगी। और इंडिया की टीम दोनों प्रैक्टिस मैच बड़ी टीमों के खिलाफ जीती है, अच्छा प्रदर्शन दिखाया बैटर्स ने चेस करते हुए। पाकिस्तान की टीम कल अपना प्रैक्टिस मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार गई, वो अपना डिफेंड नहीं कर पाई। बात सच्ची है तो ये है कि इंडिया की बैटिंग भी चल रही है, इंडिया की बॉलिंग भी चल रही है, पाकिस्तान के दो बल्लेबाज चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग के अंदर शहनशाह अफरीदी पर बहुत ज़्यादा लोड है, उसके अलावा शादाब खान उस तरह वो नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, फॉर्म उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल पर है। तो पाकिस्तान इज लाइक I will give us India 70% and 30% to Pakistan. बिल्कुल दानिश भाई, आपने तो आपकी prediction कर दी है, लेकिन एक practice match की तरफ लेके चलता हूँ। हसन अली जिनको 19 रन बचाने थे लेकिन उन्होंने 22 रन दे दिए, ये practice सही मानेंगे आप? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी आप देखें कि बॉलिंग डिपार्टमेंट डिफेंड नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान अगर 188 चेस करने जाएगी तो वो चेस कैसे करेगी? सिर्फ रिजवान और बाबर के बल्ले से रन निकलना जरूरी नहीं है, फकर जमान भी फॉर्म है, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद हफीज जो इतने सालों के साथ फेविकॉल लगा के चिपके हुए टीम के साथ, उनको भी रन्स करने हैं। वो भी रन्स नहीं करेंगे तो कौन रन्स करेगा? शोएब मलिक का टेन्योर बहुत लंबा है T20 क्रिकेट के अंदर, चाहे वो फ्रेंचाइजिस क्रिकेट हो चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेट हो, बट दे हैव टू डिलीवर नाउ। अभी वो डिलीवर नहीं करेंगे तो कब करेंगे डिलीवर? तो पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट भी आप मेरे ख्याल से दे नीड टू, उन्होंने काम नहीं किया। देखे सब टीमों ने बहुत पहले से काम कर चुके थे, सब टीमों ने, खासतौर से अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने अपनी 2 से 3 टीमें बना दी है, बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बॉलर को रिप्लेस करता है, दूसरा बॉलर लगा हुआ है पीछे रिप्लेस करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में वही आप एक होता है ना उसको लेके पड़े हुए, शहनशाह अफरीदी एक वाहिद बॉलर है जिसको आपने सारी क्रिकेट खिला दी, लेकिन उसको आपने रोटेशन पॉलिसी पर रेस्ट नहीं कराया कि भाई वर्ल्ड T20 आने वाला है उसको रेस्ट करा के उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड करवाना है T20 में। आप अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ शाहीन ही एक ऐसा बॉलर है जो आपको विकेट लेके दे सकता है, उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान की तरफ से विकेट ले सकता है। और क्योंकि ये एक फैक्ट है, आपने स्पिनर्स को यूटिलाइज नहीं किया सही से, उस्मान कादिर जो अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं, जाहिद महमूद जो जिनका ताल्लुक हैदराबाद से, उसको यूटिलाइज नहीं किया।
आपने उनको मैचेस खिलाया, उनको डेब्यू कराया, लेकिन उसके बाद आप फिर शादाब खान के साथ जा रहे हैं, तो शादाब खान विकेट नहीं ले रहे। अगर एक लेग स्पिनर रन देता है विकेट नहीं लेता है, देन वो तो बोझ बन गया है टीम पे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि आपके पास विकेट टेकर बॉलर नहीं है। इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज जो है वो दे आर स्टॉक बॉलर्स टू कंटेन द रन, दे आर नॉट विकेट टेकर्स। हारिस रऊफ लीक्स अवे टू मैनी रन, चार ओवर में वो चले जाते हैं, 50-60 रन दे जाते हैं, दो विकेट लेते, विच इज़ नॉट गुड। तो पाकिस्तान आर स्ट्रगलिंग, और फिर स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान फील्डिंग कंपेयर टू इंडियन फील्डिंग इज वेरी लो। आप तो सब पाकिस्तान के मतलब कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन जितने भी मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सुन रहा हूं, सब ये बोल रहे हैं हम यूएई में खेल रहे हैं, हम यूएई के राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं यूएई में। क्या बोलेंगे इस पर आप? उस पर यही बोलूंगा कि जावेद मियांदाद तो है नहीं कि आखिरी बॉल में छक्का मार टीम में, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अगर ऑफ कैमरा उनसे पूछ ले वो भी यही बात करेंगे, ऑन कैमरा आके हिम्मत नहीं होगी बात करने के लिए। लेकिन बात सारी ये है कि आपको देखना है व्हाट इज द फैक्ट एंड फिगर्स बिहाइंड इट। इंडिया कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है, एक महीने से आईपीएल खेल रहा है पूरा का पूरा। आईपीएल हुआ वहाँ पर सारे लड़के वहाँ आईपीएल खेल रहे थे, यूएई की कंडीशन से वो सब हम हांग हो गए बहुत अच्छी तरीके से, वेदर से, सारी चीज़ों से। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा ना हो सका पाकिस्तान का, जिसकी वजह से उनको बहुत बड़ा झटका लगा। मैं समझता हूँ कि लास्ट मोमेंट के ऊपर झटका लगना इनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन इनको पहले से 2 साल पहले से इनको तैयारियां करके रखनी चाहिए थी। और अभी आके आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास मौका नहीं था, टीम नहीं आई, वो नहीं आया, लेम एक्सक्यूजेस। आई डोंट थिंक सो कि लेम एक्सक्यूजेस आप दे सकते क्रिकेट के अंदर, क्योंकि सबको पता था कि वर्ल्ड कप ये तारीख को, ये महीने, ये साल होने वाला है, तो आपको प्रिपेरेशन करनी चाहिए थी उस हिसाब से। अभी 24 अक्टूबर को नो डाउट सब Everybody is looking for it. एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, सारी दुनिया उसके नजरें बैठाए बैठी हुई है। People are traveling all across the world. उन्होंने टिकटें sold out हो चुकी है all across the world. पाकिस्तानी फैन, इंडियन फैंस, everybody is traveling to UAE to be part of that epic match. लेकिन इसके अंदर एक चीज़ हो सकती है, इंडिया अगर 24th को जीतता है फाइनल में, फिर से पाकिस्तान के सामने मुकाबला कर सकता है। बिल्कुल दानी भाई कर सकता है, पर कुछ क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के जो लगातार बोल रहे हैं कि टीम इंडिया दबाव पर है, दबाव में है, इसलिए धोनी मेंटोर के तौर पर गए हैं। ये सही दिमाग दिखा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का? यार कोई लॉजिक नजर नहीं आती, बिकॉज एमएस धोनी नो डाउट इज द फाइनेस्ट कैप्टन इंडियन क्रिकेट की। सौरव गांगुली जो चेयरमैन है बीसीसीआई के, उन्होंने पहले इंडियन क्रिकेट को चेंज किया पूरा, उसके बाद फॉलोड बाय एमएस धोनी, जिस तरीके से उन्होंने टीम में रद्द बदल किया, टीम में चेंजेस की, और टीम का पूरा सिनेरियो एक लेवल ही दूसरा कर दिया उस बंदे ने। फिर चैंपियन बने, 50 ओवर क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना, T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बना, जहां पर आखिरी ओवर को जोगिंदर शर्मा से करवाते हैं, जो अभी एक आई थिंक सो पुलिस ऑफिसर है, इंडियन पुलिस को सर्व करे, उनसे वो ओवर करवाते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं उनके अंदर, और मेंटोर बनाना, बिकॉज दे आर लुकिंग अहेड। वो सिर्फ T20 को नहीं देख रहे हैं, जो मैनेजमेंट है दे आर थिंकिंग अहेड कि मेंटोर लाके एमएस धोनी को, क्योंकि यंगस्टर्स है सारे और इसको एक रिस्पेक्टेबल फिगर की तरह देखते हैं, इसकी बात सुनते हैं, समझते हैं और इसको बहुत मानते हैं। जैसे ऋषभ पंत हो गया, उसके लिए कितना पॉजिटिव साइन हो जाएगा एमएस धोनी का ड्रेसिंग रूम में होना। फिर विराट प्रैक्टिस भी कर रहे थे धोनी के साथ को बताना, और फिर लॉन्गर टर्म की बात कर रहे हैं ना कि राहुल द्रविड़ को नेशनल क्रिकेट एकेडमी से हटा के वर्ल्ड T20 के बाद ही विल बी द हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम, उसके बाद एमएस धोनी यहां पर खत्म नहीं कर जाएंगे। आई थिंक जो इसका टेन्योर मेंटर्स है ही विल गो इनटू द नेशनल एकेडमी, यहां पर राहुल द्रविड़ छोड़ के आए हुए हैं, क्योंकि एक के पीछे एक लाइनअप बैकअप करते जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में नो डाउट ग्रेट लेजेंड्स बहुत सारे मौजूद है, तो पाकिस्तान भी चाहती कि किसी लेजेंड को लगा देती टीम के साथ कि वो मेंटोरिंग कर सकते थे, लेकिन वहाँ पता है उनको कि मेंटोरिंग से ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे चली जाएगी टीम है, और प्लेयर्स जो है एक दूसरे के उसमें आ जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि एमएस धोनी जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत साबित होंगे एज अ मेंटोर।
नरेश भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, मैं कुछ महीनों से कवर कर रहा हूँ सब कुछ, तो बहुत ज्यादा भारत की टीम और भारत को लेकर दबाव बना रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपको ये लगता है कि वो सच बोलते हैं या फिर वो खबरों में भरे बने रहने के लिए भारतीय टीम का सहारा लेते हैं? मैं तो कहता हूँ खबरों में बने रहने के लिए और टीम का सहारा लेते हैं, फिर वही जाके नेशनल अपने चैनल पे जाके पाकिस्तान की अच्छाई करते, फिर आ जाते यूट्यूब चैनल पे बैठ के वहाँ इंडियन टीम की तारीफ करते, तो वहाँ पर वहाँ से उनको फॉलोअर्स मिलते, वहाँ से इनको नेशनल टीवी से उनको पैसा मिल जाता है। आई थिंक आपको जो रियलिटी है उस पर रखना चाहिए, जो चीज़ है दबाव किस चीज़ का होगा। मुझे बताया ना कि पाकिस्तान टीम जिस जो अपनी सिलेक्शन कमेटी, देखे बड़ी सिंपल सी बात है ना प्रशांत, सिलेक्शन कमेटी टीम बनाती है जी, वो टीम पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है, तो क्या सिलेक्शन कमेटी को भी नहीं पता है कि भाई कौन सी टीम खिलानी है, कौन सी टीम भेजनी है? आप फिर एकदम से प्रेशर आता है, रमीज राजा साहब चेयरमैन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्रेशर करते हैं कि ये टीम क्या खेलेगी भाई वर्ल्ड कप में जाके, चेंज करो। आपने पहले चाचा मामा भतीजा बेटे उनको सबको लेने के लिए आपने टीम बना दी, आपने प्रेशर में आके टीम बना ली, फिर आपने कह दी टीम चेंज कर दी, आपके 16 लड़के ही नहीं बन रहे हैं जहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, दे हैव मेड देयर सेकंड 11, उनका रेडी पड़ा हुआ है, मतलब बेंच स्ट्रेंथ उनके पास रेडी पड़ा हुआ है, हमारे पास तो 16 ही नहीं बन रहे, 16 के बाद 11 में अभी किसको खिलाना है? मुझे कोई पाकिस्तान के जितने लोग बात कर रहे हैं बता दे कि प्लेइंग 11 क्या होगा इंडिया के सामने, प्लेइंग 11 पाकिस्तान किसको खिलाएगी? अगर दे ये बड़ा बयान दिया है कि पाकिस्तान को ये भी नहीं पता कि प्लेइंग 11 क्या होगा, 3 दिन बाद मैच है, नहीं तो प्लेइंग 11 कैसे आप इस, आप 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 रिलाय किस पे करेंगे? आप बॉलिंग डिपार्टमेंट के, ठीक है भाई इंडियन प्लेयर्स है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, तो आप स्पिनर्स को नहीं खिलाओगे, आप सिर्फ एक स्पिनर के साथ जाओगे या दो स्पिनर के साथ, लेकिन आप रेडी तो हो जाए, आप शहनशाह अफरीदी, हारिफ रोफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये चार आपके पास पेसर है, आप इसमें से किसके साथ जाओगे? आप नया बॉल के इमाद वसीम से कराओगे, ठीक है गोरे है वो स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते तो वो उसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन इमाद वसीम ब्रेक नहीं करता, जब वो रोहित और केएल राहुल के सामने बॉल करेगा क्या वो भी उसी तरह खेलेंगे उसको? इट विल बी अ डिफरेंट केस, क्योंकि डिफरेंट बॉल गेम होगा पूरा का पूरा, क्योंकि इंडियन कैंप के अंदर देखे 5 स्पिनर्स भरे हुए और फिर उसके साथ जो उन्होंने नेट बॉलर्स रखे हुए उसके अंदर भी 3-4 स्पिनर्स रखे हुए होंगे। दानिश भाई कितने खिलाड़ी है भारत के पास में इस वक्त कि वो 2 टीम उतार सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में इसी वक्त? बिल्कुल बात देखिए सच है वो सच है, लेकिन पाकिस्तान की प्लेइंग 11 दे आर स्ट्रगलिंग, मोहम्मद हफीज की फॉर्म नहीं है, शोएब मलिक कंसिस्टेंट वो दिखा रहा है छोटी बड़ी अपना इनिंग करके, लेकिन अगर सर्कल के अंदर बाबर आजम और रिजवान चले जाते हैं उसके बाद टीम को शोल्डर पे कौन लेके चलेगा, कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? हफीज ले सकता है, शोएब मलिक ले पाएगा क्या? वो जो है आसिफ अली जो उन्होंने टीम में डाला हुआ क्या वो ले पाएगा, 20 ओवर तक खेल पाएगा इन फ्रंट ऑफ जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, राहुल चहर? तो रियलिटी है ना दानिश भाई, ये तो आपने पूरी सच्चाई एक तरीके से उतार कर रख दी है, जिसको बोलते हैं बहुत नाराज हो जाते हैं जब सच्ची बात करो तो वो लोग नाराज हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी बॉलिंग है भाई, बॉलिंग है प्रोड्यूस करे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाए, तो मुझे वही इसमें वो नहीं होगी राय कि नहीं यार इंडिया विल बी 50%, पाकिस्तान विल बी 50%, क्योंकि अगर आप सिमिलर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस देखते हुए आए, अभी पाकिस्तान टीम रिसेंटली इंग्लैंड गई थी जी, उनकी सेकंड 11 टीम बेन स्ट्रोक जो इंजर्ड थे वो भी वर्ल्ड कप में भी नहीं आया, उनकी कैप्टेंसी के अंदर उन्होंने मैच हरा दिया, फिर इयान मॉर्गन की टीम के सामने वो मैच हार गए, तो आपने परफॉर्मेंस दिखाई नहीं। फिर उससे बढ़कर श्रीलंका की जो एक इमर्जिंग टीम मंदरी है, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, पाकिस्तान की सॉइल पर आके पाकिस्तान को T20 में हराया, इवन जिम्बाब्वे मैच तो नहीं जीता लेकिन टफ टाइम दिया उनको। सो हम अपनी क्रिकेट को कहाँ लेते हुए जा रहे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है, हम जो है सिलेक्शन सही कर रहे हैं नहीं? जब आप ज्यादती करोगे जो डोमेस्टिक प्लेयरों के साथ, उनको लेके नहीं आओगे, उनके साथ ज्यादती करोगे, तो आप इसी तरह के परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगी, जहाँ पर इंडिया की टीम सूर्य कुमार यादव हो, ईशन किशन हो, जब वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करती है और उनके पीछे बैकअप लगा हुआ है कि अगर ये रन नहीं करेंगे तो ऋतुराज गायकवाड़ आ जाएगा, देवदत्त पड्डीकल बैठा हुआ है, अब बहुत सारे ऐसे प्लेयर बैठे हुए हैं, सो यहाँ पर कौन है?
बिल्कुल बिल्कुल दानिश भाई, एक बहुत स्पेशल पर्सन है जिसकी मैं बात करना चाहूंगा आपसे, और उनका नाम है बूम बूम शाहिद अफरीदी। कुछ शब्द उनके लिए? वो अपना उनके लिए तो वही शब्द है कि जहाँ वो बैठ जाते हैं वहां की तारीफ शुरू, जहाँ से निकल जाएंगे वहां की तारीफ शुरू। बिल्कुल। चलिए दानिश भाई, मैं खत्म कुछ इस तरह से करूंगा, कुछ सवाल पूछूंगा छोटे छोटे जिनका एक वर्ड में आप जवाब दे दीजिए तो मजा सा आ जाएगा। टीवी कहाँ टूट रहे हैं दानिश भाई, भारत में या पाकिस्तान में इस बार? नहीं, टीवी नहीं टूटने चाहिए, बहुत महंगे हो गए, महंगाई बहुत हो गई है। चलिए तो दिल कहाँ टूट रहे हैं दानिश भाई, इतना तो बता दीजिए आपके अंदाज में। दिल भी नहीं टूटना चाहिए क्योंकि फेविकोल सब अपने साथ रखे, क्योंकि आप जोड़ देंगे। बिल्कुल, लेकिन दानिश भाई ये नहीं बताएंगे कि हारेगा जीतेगा कौन। बिल्कुल, हारेगा जीतेगा कौन दे, ये टॉस बड़ा वाइटल होगा। 24 अक्टूबर टॉस विल बी वेरी वाइटल। इंडिया वेरी, उन्होंने दोनों प्रैक्टिस मैच जीते चेस करते हुए। पाकिस्तान आर नॉट गुड चेजर्स, चेस भी नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान और ना ही डिफेंड कर पा रहा है। दोनों पोजीशन में पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी सी लो है, लेकिन ऑन द गिवन डे के ऊपर क्या वो बॉलर्स है पाकिस्तान के पास कि उनको इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सके 130-140 ऑड के अंदर? क्या पाकिस्तानी बल्लेबाज है कि 200 रन का टारगेट दे सके अपने बॉलर्स को डिफेंड करने के लिए अगेंस्ट बैटिंग लाइनअप जो, जहां पर शार्दुल ठाकुर भी अगर खेलते हैं फिर रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है वो प्रैक्टिस मैच में, तो ये सारे बैटिंग करते हैं, बड़ी डीप जाके बैटिंग इनकी खत्म होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सकलैन मुश्ताक के पास। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आई विल नॉट ब्लेम सकलैन मुश्ताक जो भी इंटीरियम हेड कोच बने, आई विल नॉट ब्लेम मैथ्यू हेडन जो अभी लगे टीम के साथ, आई विल नॉट ब्लेम फिलेंडर जो बॉलिंग कोच लगे, क्योंकि आप दो हफ्ते में कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई चीज चेंज नहीं करता है। ब्लेम जाएगा इधर अगर पाकिस्तान की टीम परफॉर्म नहीं कर पाती इस वर्ल्ड टी ट्वेंटी में, चाहे वो इंडिया के खिलाफ हो, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, बिकॉज अफगानिस्तान आर नॉट ईजी टीम टू बीट इन टी ट्वेंटी बिकॉज दे हैव अ बंच ऑफ गुड प्लेयर्स और राशिद खान कैन बी अ की फैक्टर एस फैक्टर फॉर अफगानिस्तान। न्यूजीलैंड के पास ट्रेंट बोल्ट है, वो जहाँ पर लेफ्ट आर्म उसका अंदर भी आता है और बाहर भी जाता है। देखे बात यहाँ पर यह है कि दो साल से बकार यूनिस 5 साल तक टेन्योर में रहे डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पे, उन्होंने कोई प्रोड्यूस नहीं किया। 2 साल आपने काम किया, मिस्बा ने और वकार यूनिस ने, क्या दिया पाकिस्तान टीम को, क्या दिया पाकिस्तान अवाम को? और एंड टाइम पर आके जब इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, आपने प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं किए, आपने टीम नहीं बनाई एक प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग, और आप छोड़ के चले गए। आपने बोला जाओ भाई, क्योंकि वो डर गए ना, आप डर के चले गए कि यार ये टीम कैसे हम जीत पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आई विल नॉट ब्लेम सैकी भाई इन दिस। सैकी भाई जो रोल अदा कर रहे हैं वो बेस्ट से बेस्ट देंगे, क्योंकि टाइम हर किसी को चाहिए होता है, उनको टाइम नहीं मिला कि टीम को प्रॉपर से वो करने का। और फिर बाबर आजम शुड नॉट बी प्लेइंग। आई थिंक बाबर आजम ने पहले भी अपनी जो है सिलेक्शन के ऊपर ड्रिवनेस की थी कि मुझे जो प्लेयर्स चाहिए वो मुझे मिले नहीं है। यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो रहा, मोहम्मद वसीम जो सिलेक्टर है वो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये टीम मैंने सेलेक्ट की है और आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसा भी परफॉर्म करेगी, अच्छा करेगी बुरा करेगी, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोबडी हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी येट, और यही होगा कि टीम अगर बुरा करेगी तो हम तो रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं। जो बिल्कुल पिछले 8 साल से यही अल्फाज सुनते हुए आ रहे कि रीबिल्डिंग प्रोसेस, और वो रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी आ जाएगा तब भी बोलेंगे वी आर इन रीबिल्डिंग प्रोसेस। तो वी आर, आई थिंक रमीज राजा साहब जो अभी चेयरमैन लगे आए हैं उनसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है कि वो चीज़ों को बेहतर करेंगे, वो कर रहे भी हैं। जो ग्रास रूट लेवल था क्लब क्रिकेट थी उसको बेटरमेंट करने के लिए वो काम कर रहे हैं, एंड उससे लग रहा है कि अगर इनका लंबा टाइम और हो गया, लंबा टाइम इन्होंने बिता लिया, क्योंकि इसके वर्ल्ड टी ट्वेंटी के बाद बहुत सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंजेस आने जा रही है, सिलेक्शन कमेटी चेंज होनी है, तो उसके बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी के जो हेड है वो चेंज होने हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो काम करते हैं, जो उन्होंने काम किया है क्रिकेट के साथ। आई एम लुकिंग फॉर द बेस्ट, लेकिन ये है कि आपने एक अच्छा मौका गवाएंगे अगर आप दुबई के अंदर सेमीफाइनल या फाइनल तक ना पहुंचेंगे। आई थिंक इट विल बी बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट भी रिवाइव करनी है पाकिस्तान।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान जो है अपने क्रिकेट को बेहतर करे, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही स्पोर्ट रह गया है, बाकी स्पोर्ट की तो धज्जियां उड़ गई है। हमारा हॉकी था वो खत्म हो चुका है, हमारे एथलीट्स है वो बेचारे परेशान हैं, ओलंपिक्स में उनका हाल देख लिया बेचारे के साथ क्या हुआ है। तो एक क्रिकेट ही एक वाइड खेल है जो 22 करोड़ की आवाम देखना चाहती है, और 22 करोड़ की आवाम जो है पाकिस्तान की वो क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। सो सेंटिमेंट और उनकी जो चाहत है वो बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, और इंडिया के साथ जो मैच होता है उसके अंदर पूरा पाकिस्तान जो है सिर्फ और सिर्फ टीवी के आगे होता है। अभी वो टीवी पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो वो तो फिर 24 की शाम रात को ही पता चलेगा। बिल्कुल दानिश भाई, पांच नाम और उनको आपको 10 में से नंबर देने। विराट कोहली 7, बाबर आजम 6, शाहीन शाफरी 7, जसप्रीत बुमराह 9, कौन जीत रहा है T20 वर्ल्ड कप? एशिया में ही आएगा वर्ल्ड कप। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है रमेश भाई आपने, एशिया में वर्ल्ड कप आएगा, वो एशिया में वर्ल्ड कप आए और जल्दी आप भी इंडिया में आए और आपकी जो तकनीक इनकी वो नए युवा खिलाड़ियों को सिखाएं। आपके जैसे बहुत क्रिकेटर्स की जरूरत है भारत में, और बहुत अच्छे हमारे भारत के भी क्रिकेटर्स काम करते हैं, लेकिन स्टार के साथ जब स्टार मिलता है तो चीजें सुपर स्टार बनती है। डेफिनेटली नो डाउट कि इंडिया है लॉट्स ऑफ स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर, जिस तरह से IPL में देखा कि जो लॉट आ रही है स्पिन डिपार्टमेंट की इज वेरी गुड। इवन फास्ट बॉलर, सबसे बड़ी बात है इंडिया ने फास्ट बॉलर इतने ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बैकअप के ऊपर फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर काम करने का बड़ा आता है मज़ा आता है, क्योंकि बीइंग अ स्पिनर तो बताने के अंदर, क्योंकि यंग स्पिनर्स को देखता हूँ जैसे रवि बिश्नोई हो गए, कुलदीप यादव जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी फॉर्म से, उनके रिस्ट स्पिनर है, क्योंकि एक रिस्ट स्पिनर होता है, एक फिंगर स्पिनर होता है, हर एक का एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। सो देखें, भगवान की जो मर्जी होगी वो होगा आगे, और जरूर होगी मुलाकात जल्दी। कब आ रहे हैं दानिश भाई, कुछ तारीख हमें बता दें कि आप इंडिया में हैं और हम आपको ले आए। जिस दिन आना होगा मैं आपको जरूर फोन करूंगा, आप आइएगा। बिल्कुल दानिश भाई, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए, और आई होप ऐसे ही आप क्रिकेट के बाहर और यूट्यूब चैनल का एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच प्रशांत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।